क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 9 लेटर्स इन द वर्ड डिलीवर्ड इन विच 3 ईज आर टुगेदर एंड 2 डीज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है। हमें एक वर्ड दिया हुआ है डिलीवर्ड, 9 लेटर वर्ड है डिलीवर्ड, इसमें 3 ईज हैं और 2 डीज हैं। हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है, ये क्वेश्चन परमुटेशन और कम्बिनेशन का है, बट यहाँ परमुटेशन होगी क्योंकि अरेंजमेंट का वर्ड है, हमने इनको अरेंज करना है। रिस्ट्रिक्शन हमारी ये है कि 2 ईज 3 ईज आर टुगेदर एंड 2 डीज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। हम सबसे पहले हम जो ईज हैं उनको टुगेदर कर लेते हैं, थ्री ईज आर टुगेदर और अब ओ जो है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ओ जो है उनके डीज, सॉरी ये डीज, 2 डीज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम डी के अलावा जो बाकी हैं वो हमारे पास हैं एल आई वी आर, एल आई वी आर, 3 इज टुगेदर, और इसके बाद हम लिख लेते हैं दीज लेटर्स एल आई वी आर। तो जो डीज हैं हमारे पास वो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, तो वो डीज जो है उनकी प्लेसेस ये हो सकती हैं, ये यहाँ पे दीज डॉट्स शोज द पोजिशन ऑफ डीज। हमारे पास डी 2 हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डी के लिए पोजिशन हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट्स जो ब्लू कलर के हैं वो डी की पोजिशन को शो कर रहे हैं, तो ये 6 हैं, 6 P2 वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं डीज को, लेकिन 2 डीज आर आइडेंटिकल सो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये हमने अभी डीज को की एडजस्टमेंट की है, तो रिमेनिंग लेटर्स आर ये 3 ईज को हम 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग आर 5। तो इन 5 की अपनी परमुटेशन जो है वो क्या होगी, ऑल दीज आर डिफरेंट, तो सो इनको 5 फैक्टोरियल वे से हम अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। अब इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे तो वी विल गेट 1800, दिस इज द आंसर। ये ई की 3 ईज जो हैं बॉक्स में शो हो रहे हैं, ये आपको क्योंकि आइडेंटिकल हैं इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, रिमेन्स एज सच, तो 1800 इज द टोटल अरेंजमेंट्स। Now part B of this question is find the probability. अब हमने number of arrangement नहीं find करना, हमने probability find करनी है। तो सबसे पहले हम question के statement पढ़ते हैं, find the probability that randomly chosen arrangement of 9 letters in the word delivered has exactly 4 letters between 2 D's. This is the restriction. Again the question is from permutation because the specific arrangement hai, specific order hai, arrangement word is there. So this question is from permutation. This is not of combination. So ab hamari restriction hai ki 2 D's unke in between 2 D's there are exactly 4 letters. Ye hamari restriction hai. To sabse pehle hum डी जो है उनको एडजस्ट कर लेते हैं,
हमारे पास टू डीज हैं, एक डी इस एंड पे और दूसरा हमारे पास डी जो है इस एंड पे है। तो इनके अलावा जो बाकी हैं हमारे पास जो नॉन रिपीटेड है वो हम यहां पे ले लेते हैं, एल आई वी आर। ये देख रहे हैं आप कि टू डीज के दरमियान फोर, एग्जैक्टली फोर लेटर्स हैं। तो हमारे पास अब थ्री ईज भी हैं तो उनको हमने कहाँ पे एडजस्ट करना है, थ्री ईज। तो उनके लिए डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। थ्री ईज जो है वो लेफ्ट साइड पे भी आ सकते हैं। दूसरी पोजीशन ये है कि टू डीज एडजस्ट हो गए, फिर हम एल आई वी आर लिखेंगे और ये थ्री ईज जो हैं वो राइट साइड पे भी आ सकते हैं। थोड़ा ऑप्शन ये भी हो सकती है डीज इन बिटवीन दीज टू डीज, एल आई वी आर, एल आई वी आर। और अब हम टू इज लेफ्ट पे और वन ई है वो हम राइट पे ले लेते हैं। एक ऑप्शन यहां पे थ्री ईज हैं, एक ऑप्शन और भी हो सकती है डी एल आई नॉन रिपीटेड, एल आई वी आर। और अब हम राइट पे दो ई ले सकते हैं और लेफ्ट पे वन ई। तो दीज आर डिफरेंट पोजीशंस। अब हम देखते हैं कि इनकी परमुटेशन कितनी क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 7 फैक्टोरियल। देखें थ्री ईज है, डी जो है ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि एडजस्टेड हैं। एल आई वी आर और थ्री ईज ये 7 लेटर्स हैं। तो हम पहली ऑप्शन का आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है कि थ्री ईज हैं, ईज रिपीट हो रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर भी 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल है। थर्ड ऑप्शन का आंसर भी 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल है। फोर्थ ऑप्शन का आंसर भी 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल है। तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे कि ऑप्शन है या आता है या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, ये फोर ऑप्शंस हैं। तो सो हम 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे फोर से, या इनको चारों को हम ऐड कर लेंगे या हम इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो ये आएंगी 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फोर। तो हमारा आंसर होगा 3 3 6 0। अब हम टोटल अरेंजमेंट, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ये सक्सेसफुल आउटकम है 3 3 6 0। अब टोटल अरेंजमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितनी होंगी, टोटल अरेंजमेंट्स
ऑफ द नाइन लेटर वर्ड डिलीवर्ड, उसकी टोटल अरेंजमेंट होंगी 9 फैक्टोरियल ओवर 3 इज, इज रिपीट हो रहे हैं, 3 इज 3 फैक्टोरियल एंड 2 डीज वो भी रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आएगा 3024, 3024, 30240. तो अब हम प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, दिस इज जनरल फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। अब हम हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स हैं 3360 और टोटल आउटकम्स हैं 30240, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3360 ओवर 3360 ओवर 30240, तो इसको कैंसलेशन होके इसकी ये आंसर आ जाता है 1/9, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 लेटर्स आर सिलेक्टेड, सिलेक्टेड के वर्ड से हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, सिलेक्शन है, जस्ट सिलेक्शन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉम्बिनेशन, 5 लेटर्स हमने सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड डिलीवर्ड, हमने 5 लेटर्स जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। इसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस बनेगी, पहले हम लिख लेते हैं जो नॉन रिपीटेड हैं वो हमारे पास हैं LIVR, ये हमारे पास 4 लेटर्स हैं जो डिलीवर्ड वर्ड में नॉन रिपीटेड हैं। तो पहली ऑप्शन हमारे पास बनेगी फाइंड द नंबर ऑफ, हमने फाइंड क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन इफ 5 लेटर्स इंक्लूड एट लीस्ट 1 डी एंड एट लीस्ट 1 ई, एट लीस्ट मीन, एट लीस्ट 1 मीन 1 or more than 1, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन इन दिस क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, एट लीस्ट 1 डी, 1 डी भी हो सकता है और 2 डी भी हो सकते हैं, ई जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी और या 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 ईज हैं हमारे पास, तो इसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शन बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज एट लीस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडजस्ट द रिस्ट्रिक्शन, हम ले लेते हैं 1 डी एंड 1 ई, ये देखें एट लीस्ट 1 डी है और एट लीस्ट 1 ई है, तो ये दो हमने दो की सिलेक्शन कर ली है, अब हमें 5 लेटर्स चाहिए, तो वो हम LIVR जो आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्स में नॉन रिपीटेड लेटर्स, उन 4 में से हम 3 लेंगे, उनमें से हम 3 लेंगे, 4 C 3, ये 3 ये और डी और ई दो वो हैं, तो ये टोटल 5 बन गए। जब इसको हम 4C3 को हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 4। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती है कि अब हम 2 डीज ले लेते हैं और 1 ई, ये हमारे पास 3 की सिलेक्शन हो गई है, ये हमारे पास 3 सिलेक्ट हो गए हैं, अब हमने 4 LIVR जो नॉन रिपीटेड है उनमें से 4 में से 2 लेने हैं ताकि ये 5 बन जाए, क्योंकि हमने 5 लेटर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने, 4C2, तो ये आ जाएगा 6, आंसर इज 6। नेक्स्ट ऑप्शन इज अब हम
इज भी ले सकते हैं और 1 डी भी ले सकते हैं। अगेन वी हैव सेलेक्टेड 3 लेटर्स, अब हमें 2 और चाहिए, तो वो 4 सी 2 उन एल आई वी आर वो 4 हैं, उनमें से हम 2 ले लेंगे। ये इसका आंसर भी 6 है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, अब हम 2 इज ले सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन को मीट फॉलो कर रहे हैं कि एटलीस्ट वन और मोर देन वन, ये 2 इज और 2 डी भी ले सकते हैं। 4 सेलेक्ट हो गए, अब हमें सिर्फ एक चाहिए, वो हम एल आई वी आर में से लेंगे 4C1। दिस इज आंसर इज 4। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज, अब हम 3 इज भी ले सकते हैं क्योंकि टोटल हमारे पास 3 है, तो 3 इज और 1D। तो इसके बाद हमें एक और चाहिए, तो 4C1 वो आ जाएगा, 4C1 वो भी 4 है। तो लास्ट ऑप्शन एक और भी हो सकती है कि हम 3 इज और 2 डी ले लेते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी 4 5 सेलेक्ट हो गए हैं, तो अब हम वो जो एल आई वी आर है उनमें से हम नहीं लेंगे, तो 4C0 इसका आंसर है 1। अब हम इन टोटल इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस आएंगी, टोटल आपके पास आएगा 25। तो दिस इज द आंसर।